work around us. We see people around us different kinds of work. They work to earn money to fulfill their basic needs of food, clothing and shelter. हम देखते हैं हमारे आसपास में बहुत सारे तरह के काम किए जाते हैं, और वो काम क्यों किए जाते हैं? क्योंकि जो हमारी बेसिक नीड्स है, खाने की, कपड़े पहनने की, रहने की, उसको पूरा करने के लिए. द वर्क दैट पीपल डू टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. और जो काम पैसे कमाने के लिए किया जाता है, उसे ऑक्यूपेशन कहते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. देयर आर मैनी पीपल हु हेल्प अस इन डिफरेंट वे. बहुत सारे टाइप, बहुत सारी तरह के काम होते हैं, और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं. फर्स्ट, आवर टीचर्स हेल्प अस टू लर्न न्यू थिंग्स इन स्कूल. हमारे जो टीचर होते हैं, वो हमें मदद करते हैं नए नए चीज़ों को पढ़ने में. अ मिल्कमैन डिलीवर्स मिल्क टू आवर होम्स. और दूध बेचने वाले हमारे घर तक दूध पहुँचाते हैं. अ फार्मर ग्रो क्रॉप्स फॉर अस टू ईट. अब आपको पता ही है, हम जो दाल चावल खाते हैं, वो खुद से तो हमारे पास नहीं आता है. वो चीज़ जो किसान होते हैं, वो उगाते हैं, और उनके द्वारा वो हमें मिलता है. अ टेलर स्टिचेस क्लॉथ फॉर अस. जो कपड़े हम पहनते हैं, वो भी टेलर के द्वारा सिला जाता है. और कारपेंटर मेक्स एंड रिपेयर आवर फर्नीचर. और जो कारपेंटर बढ़ई होते हैं, वो हमारे लिए फर्नीचर बनाते हैं. अ पुलिसमैन लुक्स आफ्टर आवर सेफ्टी. और पुलिसमैन हमारी सुरक्षा करते हैं. एंड इलेक्ट्रिशियंस फिक्स इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड इलेक्ट्रिक कनेक्शंस. और जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, जैसे भी हमारे घर में कुछ भी चीज़ ख़राब हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रिस से रिलेटेड, तो कौन ठीक करता है? इलेक्ट्रिशियन. अ डॉक्टर ट्रीट अस व्हेन वी फॉल इल. और जब हम बीमार पड़ जाते हैं, तो डॉक्टर की सहायता के द्वारा ही हम ठीक होते हैं. अ प्लम्बर रिपेयर्स लीकी पाइप्स एंड टैप्स. जब भी हमारे घर पे या कहीं पे भी पानी लीकेज होता है या नल खराब हो जाता है, तो प्लम्बर ही उसे ठीक करते हैं. We should thank the people who help us in our everyday life. We should be kind to them and treat them well. और जो हमारे daily life में हमारी मदद करते हैं, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए, और उन्हें भी अपने बराबर ही समझना चाहिए. Work inside the home. अब जो घर के अंदर काम होते हैं. दीपाली लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली. दीपाली's father buys milk, bread and groceries for the house. Her mother keeps the house neat and clean. दीपाली जॉइंट फैमिली में रहती थी, और जो दीपाली के पापा थे, वो मिल्क, ब्रेड और ग्रॉसरी, जो भी राशन का सामान, खाने पीने का सामान होता था, वो खरीद के लाते थे. और उसकी मम्मा घर को साफ सुथरा रखती थी. शी कुक्स फूड एंड डज अदर हाउस होल्ड वर्क. और वो खाना भी बनाती थी, और घर के सारे काम भी करती थी. दीपाली एंड हर ब्रदर राज ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स एंड होम. दे क्लीन द डाइनिंग टेबल, डू द डस्टिंग ऑफ द फर्नीचर एंड मेक देयर बेड्स. बोथ द पेरेंट्स गो आउट फॉर वर्क. दीपाली और उसका भाई राज, वो भी अपने पेरेंट्स को घर पे मदद करते थे. वो लोग डाइनिंग टेबल साफ़ करते थे, फर्नीचर साफ़ करते थे, और अपने बेड को भी अच्छे से रखते थे. और जो दोनों दीपाली के मामा पापा काम के लिए बाहर भी जाते थे. दीपाली's ग्रैंड पेरेंट्स लुक आफ्टर द चिल्ड्रन. हर ग्रैंड मदर हेल्प हर मदर इन कुकिंग फूड. शी ऑल्सो वाटर द प्लांट्स इन द गार्डन. दीपाली की जो ग्रैंड मदर थी, ग्रैंड मदर मतलब दादी, वो बच्चों की देखभाल भी करती थी. और उनकी ग्रैंड मदर दीपाली की मम्मा को खाना बनाने में भी मदद करती थी, और वो प्लांट्स को भी पानी देती थी. हर ग्रैंड फादर ड्रॉप द चिल्ड्रन टू स्कूल एंड ऑल्सो पिकअप देम फ्रॉम देयर. और उसके जो ग्रैंड फादर दादाजी थे, वो बच्चों को स्कूल से वापस लेके आते थे, और स्कूल छोड़ के भी आते थे. ईच मेम्बर ऑफ द फैमिली शेयर्स वर्क टू मेक हीज हर होम अ हैप्पी एंड कम्फर्टेबल प्लेस टू लिव इन. घर का हर एक सदस्य सबको खुश रखने की कोशिश करता था. सम फैमिलीज कीप डोमेस्टिक हेल्पर्स टू डू द क्लीनिंग एंड कुकिंग. कुछ फैमिली डोमेस्टिक हेल्पर मतलब घर में खाना बनाने वाले, साफ सफाई करने वाले रखते थे. वर्क आउटसाइड द होम. अब हम पढ़ेंगे जो काम घर के बाहर किया जाता है. देयर आर सम पीपल हु वर्क आउटसाइड द होम. यू मस्ट हैव सीन पीपल ड्राइविंग टैक्सीज, ऑटो रिक्शा, बसेस एक्सेट्रा. कुछ लोग होते हैं जो घर के बाहर काम करते हैं, जैसे कि आपने देखा ही होगा, कई लोग ड्राइवर टैक्सी चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, बस चलाते हैं. सम पीपल ऑल्सो वर्क इन ऑफिस, शॉप एंड फैक्ट्री. और कुछ लोग ऑफिस में, शॉप्स में और फैक्ट्रीज में भी काम करते हैं. जैसे आप लोग कभी कपड़े मार्केट में जाते होंगे, तो देखते होंगे कपड़े की दुकानों में जो हमें कपड़े दिखाते हैं, वो भी एक काम होता है.
लेजर टाइम, लेजर टाइम मतलब जब हमारे पास काम नहीं होता, जो हमें मन करता है हम वो काम करते हैं, उस समय को लेजर टाइम कहा जाता है। द टाइम ड्यूरिंग विच वी डू नॉट वर्क एंड डू वॉट वी प्लीज इज कॉल्ड लेजर टाइम। स्पेंडिंग लेजर टाइम हेल्प अस टू रिलैक्स एंड फील रिफ्रेश्ड। और लेजर टाइम खाली समय में हम अपने आप को रिलैक्स करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ड्यूरिंग लेजर टाइम वी कैन विजिट अवर फ्रेंड एंड रिलेटिव्स, रीड स्टोरी बुक्स, वॉच मूवीज, गो ऑन अ पिकनिक, प्ले इन द पार्क, वॉच टेलीविजन और डू एनी अदर थिंग दैट वी लाइव। और खाली समय में हम कभी अपने फ्रेंड्स के घर चले जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के घर, कभी हम अपनी बुक पढ़ने लगते हैं, मूवीज़ देखते हैं, पिकनिक में जाते हैं, गार्डन में खेलते हैं, टीवी देखते हैं, जो भी हमें खाली समय में करने का मन होता है हम वो काम करते हैं। वर्किंग चिल्ड्रेन, वर्किंग चिल्ड्रेन मतलब बच्चों का काम करना। मैनी चिल्ड्रंस इवन टूडे वर्क एज अ स्ट्रीट वेंडर्स, एंटरटेनर्स, शू पॉलिशर्स एंड एज अ लेबर्स। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे छोटे बच्चे अभी काम करते हैं, जैसे कि कोई जूता पॉलिश करने का काम करता है, कोई हंसाने का काम करता है, तो बच्चे भी काम करते हैं। मोस्ट ऑफ दिस चिल्ड्रन बिलोंग्स टू वेरी पुअर फैमिलीज। और वो बच्चे कौन होते हैं, जो बहुत ही गरीब फैमिली के बच्चे होते हैं वो बच्चे काम करते हैं। दे हैव नो मनी टू गो टू स्कूल, दे स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द एज ऑफ 4 or 5 टू सपोर्ट देयर फैमिलीज। और वो बच्चे कभी स्कूल भी नहीं जाते हैं, और 4 or 5 साल की उम्र से ही वो लोग अपना काम करना शुरू कर देते हैं अपनी फैमिली को मदद करने के लिए। द चिल्ड्रेन हु आर बिटवीन 5 and 14 ईयर्स ऑफ एज डू नॉट गो टू स्कूल एंड आर फोर्स टू वर्क टू अर्न मनी फॉर द फैमिलीज आर कॉल्ड चाइल्ड लेबरर्स। जो बच्चे 5 साल से लेकर 14 साल के एज के रहते हैं, जो स्कूल नहीं जाते हैं और जिन्हें काम करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए अपनी फैमिली के लिए, उन्हें चाइल्ड लेबर कहा जाता है। इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू मेक चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ वर्क। और हमारे लॉ के, हमारे नियम के अनुसार 14 साल से कम बच्चों का काम करना बैन है। हमारे इंडिया में 14 साल से कम बच्चे को काम नहीं करना अलाउ नहीं है। Some of these children work as a domestic helpers in homes, dhabas, factories, workshops, farm on streets or do any small scale work by which they can earn some money. आप लोग देखे ही होंगे कुछ कुछ छोटे बच्चे घर में काम करते हैं, ढाबा में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, फार्म्स में, स्ट्रीट में, कुछ भी छोटे मोटे काम करते हैं जिससे वो कमा सके, पैसे कमा सके। मैनी टाइम्स दे आर फोर्स टू वर्क इन अनहेल्दी प्लेस फॉर लॉन्ग आवर्स। और कुछ समय कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है जो कि जगह उनके लिए सुरक्षित नहीं होती, उन्हें वहाँ पे भी काम करना पड़ता है। ऑन 10th October 2006 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुट अ बैन ऑन चाइल्ड लेबर। 10th October 2006 में हमारी जो भारत की सरकार है वो उन्होंने चाइल्ड लेबर पे बैन लगा दिया है। बैन लगाना मतलब 14 साल से कोई कम उम्र का कोई भी बच्चा काम नहीं करेगा।